अपनी हत्या करने के लिए युवक ने खुद दिए थे पैसे। इंश्योरेंस का पैसा मिले इसीलिए खुद की करवा दी थी हत्या। मृतक ने सोशल मीडिया द्वारा साधा था आरोपियों से संपर्क। बाहरी जिला पुलिस ने एक युवक की हत्या युक्ति सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी हत्या के लिए सोशल मीडिया द्वारा हथियारों का प्रबंध किया और हत्या करने के बदले में हथियारों का पैसे देने का वादा भी किया। पुलिस के अनुसार 10 जून को रनहोला पुलिस को एक PCR कॉल मिली कि बापरोला बिहार खेतीवाला के पास एक पेड़ पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घटनास्थल पर देखा कि मृतक के हाथ पीछे से बंधे हुए थे, जिसकी पहचान गौरव बंसल के रूप में हुई थी, जो कि आर्या नगर IP एक्सटेंशन का रहने वाला था। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने मृतक के घर वालों से संपर्क साधा तो पता चला कि 9 जून को थाना आनंद विहार में पहले से ही भूख छुट्टी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। जांच के दौरान पुलिस ने एक संदीप सूरज नाम युवक को हिरासत में लिया और सूरज ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसके साथ 3 और लोग थे। इस खुलासे के बाद ही पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 और लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान खुलासा किया गया कि मृतक गौरव बंसल ने ही अपनी हत्या करने के बदले में उन्हें पैसा देने का वादा किया था, इसीलिए गौरव को मारने के लिए नाबालिग ने 3 और लोगों का प्रबंध किया था। इससे मिलकर गौरव बंसल की हत्या कर दी गई थी। बहरहाल पकड़े गए आरोपियों का नाम मनोज कुमार सूरज उर्फ सीपी, सुमित कुमार और एक नाबालिग शामिल है। आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने जो सेंसेशनल मर्डर केस था गौरव बंसल का, उसका वर्कआउट किया है। 10 तारीख को हमको खबर मिला था कि एक आदमी खेड़ीवाला पुल बापरोला बिगार में हैंगिंग से सुसाइड किया बोल के, तो जब हमने तुरंत विजिट किया वहाँ पे एक आदमी पेड़ से लटका हुआ मिला था, मगर उसका हाथ पीछे बांधा हुआ था। इसको चलते हुए हम लोगों ने एक मर्डर केस रजिस्टर किया है PS रनौला थाने में, और तुरंत हम लोगों ने डिफरेंट टीम्स कंस्टिट्यूट करके इस केस के बारे में तफ्तीश शुरू किया था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दी वन अक्यूज्ड, नेमली सूरज, उसको हमने अरेस्ट किया है। और सूरज के इंट्रोगेशन से हमको ये मिला कि 2 और अक्यूज्ड पर्सन नेमली मनोज और सुमित कुमार, उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया और उनको भी अरेस्ट किया है। इसमें एक JCL शामिल था, वो JCL ने ये बताया कि जो डिसीज्ड है गौरव बंसल, उनको सोशल मीडिया के थ्रू मिला है और इन्होंने ये बोला है कि मेरे को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो मैं मर जाऊँगा तो मेरा फैमिली को पैसा मिल जाएगा। इसके चलते हुए ये चारों लोगों ने मिलकर उसका मर्डर किया है। ये मर्डर करने के लिए उनकी डिसीज्ड ने उनको पैसा भी दिया है, ये कन्फर्म भी हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुलासा करते हुए कहा है कि गौरव बंसल ने अपनी हत्या इसीलिए करवाई ताकि उसके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, ताकि परिवार की आर्थिक तंगी जो चल रही थी, उस परेशानी से जो गुजर रहे थे, वो दूर हो सके और उसका हल निकल जाए। बहरहाल रनहोला पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाकर इस मामले में एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।